नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रियो ओलंपिक का रंगारंग समापन, साक्षी मलिक बनी ध्वजवाहक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने रियो ओलंपिक खेलों के आधिकारिक समापन की घोषणा की। ओलंपिक के समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। ध्वजवाहक दल में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के पहलवानों, मुक्केबाजों में शिव थापा और मनोज कुमार सहित 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 31वें रियो ओलंपिक का समापन समारोह बड़े ही शानदार तरीके के साथ हुआ। समापन समारोह ऐतिहासिक मार्गाना स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बेहतरीन रंग बिरंगी रोशनी के बीच हुई। कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति पेश की और ओलंपिक रिंग्स और क्राइस्ट द रिडीमर का आकार बनाकर स्टेडियम में बहुत खूबसूरत नजारा पेश किया गया। रामदास आठवले ने पाक को दी चेतावनी, कहा पीओके में फहराएंगे तिरंगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क ने भारत विरोधी हरकतें बंद नहीं की तो पीओके को उसके कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने इंदौर में भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद कहा, हम पाकिस्तान के साथ हालांकि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की कोशिश करेगा तो हमें पीओके को अपने नियंत्रण में लेना होगा। आठवले ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान मन से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर तिरंगा फहराने की धमकी दी। तुर्की में तख्तापलट की कोशिश करने वाला फैटो भारत में घुसा। तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद कावुसोग्लू ने कहा कि फताउल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में घुसपैठ कर ली है। पिछले महीने तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश करने के लिए वहां की सरकार ने फेटो को जिम्मेदार ठहराया है। कावुसोग्लू ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि फेटो ने संगठनों और स्कूलों के माध्यम से भारत में घुसपैठ कर ली है। फेटो गोपनीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इस मुद्दे को अपनी भारतीय समकक्ष के साथ उठाया है। तुर्की के विदेश मंत्री के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत तुर्की की चिंताओं को लेकर संवेदनशील है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर विचार कर रही है।